हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फिलहाल सुबह के बजे हैं 7। तो सामने देखो चंदा देवा कितने प्यारे लग रहे हैं, माइंड ब्लोइंग भाई। बादलों के बीच में से निकले हुए ना, और इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे। चश्मा नहीं है मेरे पास। नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, सुबह सुबह मजाक करना चाहिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर चलिए वीडियो अपलोडिंग, क्योंकि टावर बिल्कुल सामने है यहाँ पर, तो सुबह सुबह यहाँ पे आना पड़ रहा है ठंड में। बाकी तुम मौसम देख सकते हो, सुबह सुबह भी मस्त हो रहे हैं, एकदम देखने के लिए खूबसूरत। और इस तरफ तो ओ माय गॉड, इस तरफ ना सूरज देवता निकलने वाले हैं, तो तुम देख सकते हो किस तरह की लालगी छा गई है। और सुबह सुबह अम्मा भी उठ चुकी है। अम्मा दूधी भैंस पक्का? ओके ओके, हमारी वीडियो देखते हैं कितनी अपलोड हुई। अभी जस्ट 29% अपलोड हुई है। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि मैंने फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत हुई। अब इसको ना फ़ोन को थोड़ा एक जगह पे रख देता हूँ ताकि वीडियो जल्दी से अपलोड हो जाए। तो भाई सुबह के 7:30 हो रहे हैं, आधा घंटा हो चुका है मुझे ब्लॉग अपलोड करते करते। अभी सिर्फ 70% के आसपास अपलोड हुए, बाकी तुम लोग देख सकते हो सूरज देवता निकलने ही वाले हैं, और उनकी ना हल्की हल्की सी लालगी छा चुकी है। और ये बादल आज फिर से मंडे की तरफ ही जा रहे हैं, तो वक्त है वापस से आज फिर से यस टाइम लैप्स का। मैंने सोचा था टाइम लैप्स बना लेता हूँ पिछली बार की तरह, लेकिन इतने स्लो हैं और इतने कम हैं कि टाइम लैप्स कैसे बनाएं। और मेरी अम्मा भी आ चुकी है चाय लेके। गर्मा गर्म चाय इस व्यू के साथ, क्या बात है। अम्मा हंस रही है, क्या हुआ अम्मा? क्या करे, तब काम ही ऐसे पर आप लोगों को तो काम लगता नहीं। आप लोगों को लगता है मैं मस्ती मारता रहता हूँ। अच्छा लगता है तो फिर ऐसा क्यों बोलते कि मैं मस्ती करता रहता हूँ? अच्छा गुस्सा 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 मत किया करो, उठदा नहीं है ना तू, फिर गुस्सा ही आ गया। 7:30 हो रहे हैं फिलहाल, और क्या चाहते हो, 4 बजे जाग जाऊं? नहीं तेरा आज तक तो खुश ही ना भैया, आज तक तो जागी ही है, देखा सुबह सुबह मुझे बड़ा अच्छा लग गया है। सच में? हां बहुत अच्छा लग गया है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। क्या कर रहे फिलहाल, कपड़े चेंज? आज तो गर्मा गर्म स्वेटर पहन लिया आपने। तो ये स्वेटर आपकी थी कि पापा की थी? बना रही थी ये ना। तो चाचू की थी? ये बेटी की। सो ओके, मेरी माँ की थी ये लाई जोड़। ठीक है, अरे फिर की थी थोड़ी ढीली। अच्छा ओके, फिर मैं अब नहीं कराए। 2-3 दिनों से यहीं पे पड़ा है मेरा हथियार, तो फिलहाल इसके ऊपर सेट कर लिया मैंने। और मैं यहाँ पे आया था कैंची के लिए, लेकिन कैंची तो यहाँ पे हमें मिली नहीं, कि है यहाँ पे मिल गई, बट ये तो दाढ़ी काटने वाली, तो हमें कैंची मिल चुकी है। अब कैंची क्यों चाहिए अभी तुम लोगों को चल के बताता हूँ, मुझे पहुँचने दो बस। गुड मॉर्निंग ताने माँ। क्या बैग गई, दिमाग खराब नहीं करना? ताने माँ तो ताने माँ है। तो एक्चुअली क्या है कि यह है सर दर्द की दवाई। छोटी अम्मा ने कहा है मुझसे कि मेरे सर में दर्द हो रही है, मुझे सर दर्द की दवाई दे दे। तो यहाँ से इसमें कार देते हैं 3 गोलियाँ, और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी डोज है, तो हम ज़्यादा नहीं देंगे। कहाँ गई छोटी अम्मा? अम्मा भी कर रही है अपना झाड़ू पोछे का काम। ये लो दवाई, पर ध्यान से खाना, काफ़ी ज़्यादा हैवी डोज है। ये लो पकड़ लो, 3 गोलियाँ दे दी मैंने, 3। ठीक है, एक खानी, एक हाँ। तो आप क्या सोच रहे थे, तीनों खानी? मैंने क्या बता, तीनों खानी होंगी मैं नहीं, फिर कभी खानी हो तो आपको बार बार मांगनी पड़ती, हमने दे दी पहले। पर 3 मत खा लेना सच में, वरना फिर मैं कहाँ का एग्जांपल कहाँ दे रहा था और कहाँ खो गया। क्या बात है यार, सुबह सुबह के नज़ारे। ये देखो भाई टोपी के ऊपर टोपी, चल गुड मॉर्निंग तो बोल दे। अरे तो यहाँ पे बोल, कहाँ जा रहे हो? कैमरा पे थोड़ा नज़दीक आ, अब बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग गाइस। मैं जा रहा हूँ स्कूल।
और देखो मेहमानों को खाना बनाने के लिए लगा दिया है। फिलहाल बुआ बना रही है परांठे गोभी के। और ये रसोई में कौन करता है ब्रश? हम। हाँ ये हो सकता है हम हैं तो क्या गम है भाई। आर यू लाफिंग? आप क्यों हंस रहे हैं? हंसी आ रही है आपकी बातों। मेरी बातों पे? हाँ। चलो बढ़िया यार, मैंने तो कोई जोक भी नहीं मारा। वो मामा ने मामा दिखा दी। और चाचू कर रहे हैं ब्रश पीछे, उनको देख के ना मुझे भी कर लेना चाहिए। बाय बाय जी, हम जा रहे हैं ब्रश करने। थैंक यू सो मच एडवाइस के लिए। भाई ये तो निकल नहीं रहा, जोर लगा के। ऐशा भाई ये क्या चल रहा है? काम चलाना पड़ेगा, बेचारे की कितनी पतली हालत हो सके पहले। क्या बात है, निकले ना। क्या बात है, ठीक है। मम्मी ने जोर लगा लिया, अब मेरे हाथ में ट्राईपॉड था तो उस वक्त मैं साथ जोर नहीं लगा सका। तो आई इतनी देर से टोपी के साथ ही ऐसे ही घूम रहा हूँ, मुझे किसी ने रोका ना टोका, कुछ भी नहीं किया किसी ने भी। ये क्या किया तूने? उसको ना वापस रख के आते हैं चाचू की टोपी। तो भाई शिबू की करा दी हमने छुट्टी आज, आज भी छुट्टी और कल संडे, दो दिनों की छुट्टी। छुट्टी कितना प्यारा नाम है, छुट्टी। और चाचू गुड नाइट। और इस तरफ क्या चल रहा है क्यू टीवी? तो भाई फिलहाल टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, बाकी फिलहाल धूप आ चुकी है। तो सबसे पहले सूरज देवता को प्रणाम कर लेते हैं। मेरे साथ बोलिए ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। दादा बढ़िया सफाई कर्मचारी बने हुए हैं। और भाई मैंने अभी नोटिस किया है पापा ने क्या लगा दिया जी यहाँ पे, पर पापा के काम लगते नहीं है, किसी और ने किया है। पर और कौन करेगा फालतू में अपने पैसे वेस्ट। बढ़िया मूछें लगा दिए यहाँ पे, ठाकुर की मूछें। और शिवांश ने लगा लिया मेरा चश्मा। क्यूट लग रहे हो शिवांश, क्यूट लग रहे हो, बस थोड़ा सा चश्मा बड़ा है। तो भाई सुबह सुबह भैंसों का चला ब्रेकफास्ट। हमारा ब्रेकफास्ट कब होगा पता नहीं। 112 मतलब कल जब लोहड़ी गाने के लिए गए तो इनको कितने रुपए मिले? 112 तो ये 10 लोग थे। तो भाई इतने लोग करने लगे गिर दिया नहीं पाउंदी। 112 रुपए ना, 112 रुपए और 10 लोग यानी 1200 रुपए एक ही दिन में, पहले ही दिन। इतने तो वो धान बेच के भी नहीं होते थे। जब हम अपने टाइम में ना धान बेचते थे तो वो भी नहीं इतने। वो भी दो तीन गांव में गा के उसके बाद 200 रुपए बनता था बंदे को। अरे भाई साहब इन्होंने तो एक ही दिन में 121 रुपए कमा लिए। त्योहार भी अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, तो दिन के 10 बजने को है। फिलहाल क्या ना थोड़ा सा प्रोग्राम बन रहा है वापिस से सरकागाड़ की तरफ जाने का। एक तो लाइसेंस लाना है और हो गया तैयार जाने के लिए मार्केट। बाय बाय। खाने में क्या बनाया भाई? फालतू की बातें मत करो। और क्या बना है खाने में चलिए पता करते हैं। सो पालक है, गोभी है और गाजर है। बाकी खाना ले लिया है मैंने। एक्चुअली हुआ क्या ना, मम्मी की सुबह सुबह लड़ाई हो गई है तो उस चक्कर में मम्मी का मूड खराब है। और मुझे मजा आता है क्योंकि मेरा एक मूल मंत्र बन चुका है अब कि दुनिया जाए भाड़ में, अपनी मस्ती करो। बाकी इसको ले चलते हैं ऊपर अम्मा की रसोई में, वहाँ जाके गर्म करते हैं और खाते हैं। भाड़ में गई दुनियादारी, बस जिंदगी के मजे करो। अम्मा क्या आपको पता है दादा सौतन लाने की तैयारी में? खाई देना जो ठगे हो गए। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, दादा आपकी सौतन लाने को की तैयारी में है। रोटी खाने दे फिर चली रही है, तू भी चली पग लाए। अम्मा ने हाँ कर दिया। दादा अम्मा ने हाँ कर दी, चलो फिर चलें। हाँ खा लो खा लो। मैं तैयार हो चुका हूँ जाने के लिए, चाचू का पता नहीं वो तैयार हुए कि नहीं हुए, ऐसे नहीं मैं वक्त से पहले ही तैयार हो गया हूँ। और बाकी ये पैंट मम्मी ने धोई है और इसकी जेब में देखो 10 रुपए मिले मुझे। मम्मी ने बिना चेक किए 10 रुपए भी धो दिए, ये भी साफ हो चुके हैं बढ़िया। तो भाई तैयार है जाने के लिए, तो भी चलेगा पक्का? देख ले हम डांस करते हुए जाएंगे बिल्कुल ऐसे ऐसे डांस करते हुए। शिबू को मैंने कहा बाइक स्टार्ट करने के लिए, लेकिन शिबू ने की नहीं। क्यों नहीं की? ऐसे ये बोलो कि मुझसे हुई नहीं। एक लड़के से बाइक भी स्टार्ट नहीं होती। एक्सीलेटर नहीं देना, बस छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ये तो भाई फिलहाल निकले नहीं है, फिलहाल मैं दूसरे गाँव में आया हूँ,
भाई को उठाना है उनके घर से। फिलहाल वो आ रहे हैं, लेकिन तुम लोग सामने का व्यू चेकआउट कर सकते हो। तुम लोग देख सकते हो नीचे हरे हरे खेत और सामने का पहाड़। बाकी इस तरफ भी अच्छा व्यू है, लेकिन इस तरफ पेड़ है, इस तरफ भी पेड़ है, तो सिर्फ यही दिख रहा है एक सामने अच्छा सा व्यू। और बो रही अपनी बाइक, तो भाई का यहीं पे वेट करते हैं, यहीं पे आ जाएंगे, बस जल्दी आ जाए बस, और क्या। तब तक मैं नज़ारों का मज़ा लेता हूँ। इतना टाइम कौन लगाता है आने के लिए, और यहाँ पे देखो कितना बड़ा खड्डा है। से हेलो भाई, चाबी वहीं पे रह गई। क्या दिन आ गए, बादाम खाना पड़ेगा आज से। फिलहाल अपनी मार्केट पहुँचिए वापस, भाई से हेलमेट लेते हैं। करो भाई करो, जल्दी करो। तो भाई पहुंच गए हैं आरटीओ ऑफिस, अब चलते हैं लाइसेंस लेते हैं, अगर बन गया होगा, वरना उनको प्रिंट करवाने के लिए बोलेंगे। बट हो ही जाएगा महाराज का, 10 दिन का वेटिंग दिया था उन्होंने, तो 10 दिन बाद ही आए हम। तो ये रहा अपना आरटीओ ऑफिस, तुम लोग देख सकते हो सुगम। चलते हैं अंदर, है अंदर यहाँ पे, चेक करो जरा। इस तरफ भी है, ऑलरेडी प्रिंट करके रखे भाई काफ़ी लोगों के, चेक करो। नहीं यार, चाचू ने एकदम से उठाए सारे और नीचे से ये निकला। इसको अभी लेमिनेशन करानी पड़ेगी, लेमिनेशन। मतलब हमें एक मिनट भी नहीं लगा ठीक से मतलब ढूंढने में, ऑलरेडी बना हुआ था। चलो अब किसका इंतज़ार है, चाचू देखने अपने लाइसेंस को बड़े गौर से। साइन ये है आपके थर्ड पार्टी साइन, ये पता नहीं किसने मारा। फ्रॉड भाई, स्कैम। मेरा भी यही था हाल, वैसे रिश्वत देख के बनवाया चाचू ने, यहाँ तक कि मैंने भी। बढ़िया, रिश्वत खोरी है सारे के सारे। जगह नहीं मिली थी, जल्दी जल्दी के चक्कर में छोटी सी जगह पे घुसा दी। ये रही वो वाली आई लव सरका घाट वाली बकचोदी, या मतलब जो भी है मंडी मनाली जो भी है, और बाकी ये सारा सरका घाट पहले से काफ़ी बढ़िया बन गया सरका घाट। तो ये पहुंच गया अपनी मार्केट, चाचू गए हैं बैंक, और मेरे पास बैग में ना लैपटॉप है, तो वो देना वहाँ जहाँ मैं कंप्यूटर सीखता हूँ, उनको चाहिए थोड़ी देर के लिए। इंस्पेक्शन वाले आए हैं ना, तो जुगाड़ करना पड़ता है, वहाँ पे कंप्यूटर की कमी है। देख के आते हैं नीचे। समोसा ताओ जी, नमस्कार। गरम गरम पकौड़ा, गरम गरम आज पकौड़ा, आज नहीं बोलोगे समोसा। समोसा गरम गरम, समोसा गरम गरम कहाँ है, गरम है ये तो ठंडे हैं, झूठ बोले कौवा काटे। बाकी चलो बढ़िया, हंसी मजाक चलते रहते हैं। और मेरा चश्मा, अरे मेरा चश्मा, मैं सोचूं ये पैर के नीचे क्या आ रहा है, भैया ध्यान ही नहीं दिया इसकी, तो वार तक जाती है अभी। बाकी उनको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, उनका काम हो चुका है, तो वापस मैं ले आया हूँ लैपटॉप। अब चलते हैं वापस घर, और क्या बचता है फिर। बचता बहुत कुछ है, बचता क्या बचता है, अम्मा बापू। अम्मा बापू, हाँ अम्मा बापू, क्या समोसा है जो बचता है। अम्मा बापू खाएंगे समोसा। ओहो मिठाइयाँ, मिठाई देख के तो जीभ लपलपा जाती है एकदम। क्यों आप लपलपाती है, हलवाइयों की नहीं लपलपाती, क्योंकि वो खुद बनाते हैं। तो भाई पहुंच गए अपने गांव में, और हमारे दुकानदार साहब अनार पड़ रहे हैं आजकल। चल चल तो। कहाँ की जल्दी है, जल्दी कर, भूख लग रही है, मैं लेट ही हूँ। ओ भाई मज़ा आ गया, पेट्रोल फूक के, खाया पिया कुछ नहीं, पेट्रोल फूका 200 रुपया था। ना जाने क्यों मैं इसको साथ ले गया था, अपने सिर्फ कंधों का वजन बढ़ाया मैंने और कुछ नहीं। एक मैगी, दो मैगी ले आया हूँ मैं खाने के लिए, रात को यार भूख लग जाती है कभी कभी। सो गया था थोड़ी देर के लिए, और ये लोग बाहर फिर से कंचे लगे हैं। ओए चलो पढ़ने मैडम, क्या कच कच पा रही है बाहर, चलो कर दे। नहीं मैंने बंद पील, फिर आ गए मैं जी। ये लोग नहीं मानेंगे ऐसे, रुक जाओ। हाँ भाई कौन है बंड पील वाला, जरा आओ जरा कृपया करके यहाँ पे, उसकी जरा बंड पील करते हैं हम, आ जाओ। ऐसी मेहंदी करवाऊंगा मैं ना, प्लस हेयर डाई हो जाएगा। देखो मेरी एक बात सुनो, हाँ जी। ट्यूशन लगाई है साइंस की, मैथ और मैथ की, जी। तो साइंस और मैथ ही पढ़ना है ठीक है, जी। बाकी सब्जेक्ट अगर पेपर है तो खुद जाके पढ़ो घर, ठीक है। कल लाते हैं वो छुट्टियां नहीं जान, कल लाते छुट्टियां नहीं जान, चाय सुबह नहीं। तालियां अनमोल भाई जी के लिए, तालियां। गुड मॉर्निंग हो रही है, गुड मॉर्निंग हो रही है। मैं भी सो के उठा, इन्होंने उठाया नहीं, 8 मिनट लेट कर दिया इन्होंने ट्यूशन के लिए। ऐसे नहीं कितने दादी जी बोले सुती रह से, तो अम्मा ने जानबूझ के रख दिया घास रास्ते में ताकि मुझे जाना पड़े, तो अब उसको ही ले आते हैं।
तो जल्दी जल्दी चलते हैं और वो घास लेके आते हैं। लोड़ी वालों, ओ लोड़ी गैंग, ऊपर ऊपर कोई गा रहा है लोड़ी, तुम लोग भी चले जाओ, अब जाएंगे, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। सुबह हो या शाम हो, दादा ने आग जला रखी है और शाम के टाइम तुम आसमान देख सकते हो किस प्रकार का हो चुका है, बादल ही बादल। अरे बादलों कभी बरसों भी, देखने से क्या होगा। तो आइए रखी अम्मा ने घास, तुम लोग यहाँ से व्यू चेकआउट कर सकते हो, ऊपर बादल और इस तरफ सूरज देवता छिप रहे हैं। बाय बाय सूरज देवता, सुबह आना जरूर लेकिन बादलों को चीर के। तो भाई फाइनली गोड के अंदर रख दिया है, चलो मेरे साथ ना तुम लोग धक्का लगाओ, 1 2 3 लगाओ, जोर लगा के हैशा, क्या बात है, तुम लोगों को बहुत जोर है। और मेरे कपड़े ख़राब हो चुके हैं घास लाने के चक्कर में। चलो कोई नहीं, कैमरा मैंने अपनी तरफ कर लिया, ठीक है, तुम लोग नहीं आओगे, चलो अब गाओ, इनको शर्म आती है दोस्तों, चलो गाओ अब तो गाओ। बढ़िया, और बस लोटा तो नहीं है, मतलब 10 रुपये। हेलो, आप ब्लॉगर हैं? आजा तो आदि। यस, आप आओगे? दो मैगी ले आया हूँ मैं खाने के लिए, रात को यार भूख लग जाती है कभी कभी, नहीं मैं नहीं खाने वाला, टेंशन मत करो।